हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MPS एजुकेशन के अंदर। और आज हम करेंगे कि मीन मीडियन मोड के ऊपर क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि मीन होता क्या है। देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द नंबर, यानी कि सभी नंबरों को हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, यानी कि मीन हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हमें जैसे क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग नंबर ऑफ द गोल वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ द 10 मैच। कहने का मतलब है कि एक टीम है जो क्या करती है, गोल करती है, ठीक है, और कितने मैचों में, 10 मैचेस में। तो हमें इन गोलों का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले इन सभी नंबरों को हम प्लस करेंगे। जैसे हमने क्या करा, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। अब टोटल नंबर हमने काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हमने इनको क्या करा, प्लस करा, तो हमने 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 5 14 और 1 0 को हम काउंट नहीं करते, तो 14 और 1 15 15 और 3 18 और 3 21 और 4 20 5 और 3 28। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, 28। अब हमारा आ गया 10, और आप जानते हो कि कभी किसी वैल्यू के नीचे 10 होती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी 1 वैल्यू के पीछे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये होगा हमारा 2.8 आंसर। आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे एक सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा है कि फाइंड मोड, सेकंड क्वेश्चन में बोलता है फाइंड मोड, तो हमें इसका क्या निकालना है, मोड। मोड का मतलब होता है, क्या होता है, सबसे पहली बात मोड का मतलब होता है, मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डाटा सेट। कहने का मतलब है कि हमारी एक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती है हमारी डाटा के अंदर और बार बार आ रही हो, यानी कि मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा बार किसी भी डाटा के अंदर किसी वैल्यू का आना, तो वो हमारा मोड कहलाता है। देखिए, जैसे हमारे एक क्वेश्चन है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम 4 को देखें तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1, सिर्फ 2 बार। पर अब अगर हम देखें 3 को तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो यानी कि 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, 4 टाइप। तो यानी कि हमारा इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ये यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो 3 है वो मैक्सिमम टाइम इस डाटा के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा इसके अंदर मोड क्या होगा, तो मोड होगा हमारा 3 आंसर। अब आता है हमारा मीडियन। तो देखिए, हमें मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन का मतलब होता है मीडियन इज़ द मिडल नंबर इन ए शॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है, ये हमारी एक सपोज सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हमारा क्या है, एक नंबर है जो बीच में है जिसे हमें पता करना है। पर वो हमें नंबर कब पता लगेगा, जब हमें उसे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्मली हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन इज़ द मिडल नंबर इन ए शॉर्टेड, यानी कि एक मीडियन एक मिडल नंबर होता है जिसे हम शॉर्टेड कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सबसे पहले हमें देखो मीडियन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मीडियन को सॉल्व करने का तरीका यह होता है कि जैसे क्वेश्चन हमें करना है मीडियन के ऊपर, सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे। तो नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, सपोज मान लो 1 3 5 7 9 11 13 15, हमारा हो गया 17। अब आप जानते हो ये सभी हमारे नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर। क्या हैं ये हमारे सब, ऑड नंबर्स। और आप जानते हो कि कभी भी मीडियन के अंदर अगर क्वेश्चंस के अंदर जो नंबर गिवन्स हैं उनको काउंट करने पर हमारा क्या आता है, मीडियन के अंदर अगर नंबर्स को काउंट करने पर इवन नंबर आता है तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। ये हमारा था ऑड नंबर का। सपोज अगर मान लो हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारे मीडियन के अंदर ये होता है हमारा ऑड नंबर के केस में, अगर हमारे नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अगर हमारे कभी भी इवन नंबर आते हैं, कौन से नंबर आते हैं हमारे, इवन नंबर, तो इवन नंबर के हमारे केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, n/2 + n/2 + 1 / 2। अब आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात हमारा n होता क्या है, तो n इज़ कॉल्ड
टोटल नंबर, एन को हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर। सपोज जैसे हम मीडियन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो मीडियन के ऊपर हमने क्वेश्चन करा, हमारा क्वेश्चन था 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देख सकते हो जो हमारा 10 है वो क्या है, एक इवन नंबर है। अब 10 हमारा इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हम इस फॉर्मूले के अंदर 10 को रखेंगे, n की जगह हमने रखा 10, फिर प्लस 10 बाई 2 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने 2 से 10 को काटा तो हमारा कितना आ गया, 5। फिर हमने 2 से 10 को काटा तो हमारा कितना आ गया, 5। अब हमने देखा एक आया हमारा फिफ्थ टर्म, यानी कि हमारा nth, और ये भी हमारा nth, ये हमारा आया फिफ्थ टर्म, और हमारा 5 और 1 मिला के हमारा हो गया सिक्स्थ टर्म, और डिवाइडेड बाई हमारा हो गया 2। मैंने आपको बताया था कि मीडियन का मतलब होता है जब हम डाटा के अंदर एक मिडल टर्म को शॉर्टेड करते हैं, जब उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने पर। अब सबसे पहले आप जानते हो कि इसके अंदर हम इन नंबर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें अगर नंबर अरेंज करने हैं तो आप नंबर अरेंज करके देख सकते हो। सपोज़ हमारे पहला वाला नंबर हो गया 0, फिर हमारा नंबर हो गया 1, फिर उसके बाद नंबर हो गया हमारा 2, 2 के बाद आ गया हमारा एक नंबर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, उसके बाद आया हमारा नंबर 4, फिर आया नंबर हमारा 4, और फिर आया नंबर हमारा 5। तो हम टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं, हमारे टोटल 10 है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये हमारे टोटल कितने, अब ये हमने इनको किस में अरेंज करा, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। जब हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो हमारा क्या था, हमें अब क्या करना है, फिफ्थ टर्म। तो इसमें हमारा देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा फिफ्थ टर्म कौन सा हो गया, एक ये वाला हो गया। उसके बाद हमारा सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो हमारा आ गया है फिफ्थ टर्म, हमारा था इस केस के अंदर 3, तो हमने फिफ्थ टर्म की जगह 3 रखा। सिक्स्थ टर्म भी हमारा क्या था, 3, हमने 3 रखा। 2 से सपोज जब हमने इसको डिवाइड करा तो 3 और 3 हमारा हो गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड करके हमारा आया 3, तो इसमें हमारा हो गया 3 आंसर। अब आप देख सकते हैं, अब देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड मीडियन। क्या करना है हमें, फाइंड मीडियन। अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें नंबर्स काउंट करने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए इसके अंदर हमारे नंबर्स ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 11, एन कितना आ रहे हैं हमारे, 11। अब आप जानते हो कि ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, और मैंने बताया था जब हमारा ऑड नंबर होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें एन हो गया हमारा 11, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 11 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने पहले नंबर ऑफ टर्म क्या लिख लिए, 11, और उसमें हमने प्लस का 1 ऐड करा, तो 11 और 1 हमारा हो गया 12, और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब इसमें हमारा कौन सा टर्म आया, ये हमारा 6th, ये ठीक है हमारा 6th टर्म आ गया, 6th टर्म। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। आप देखेंगे हमारा मान लो 1 है, फिर 2 है, फिर हमारा 2 कितनी बार है, देखो 1, 2, 3, हम 3 बार 2 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा देखो 3, 1, 2, हमारा 3 कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद देखिए हमारा 4, 4 कितनी बार है हमारा, 1 बार। उसके बाद है हमारा 5, उसके बाद है हमारा 6, उसके बाद है हमारा 7, उसके बाद है हमारा 8। अब हम नंबर काउंट्स कर लेते हैं, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब टोटल हमारे 11 नंबर है।
अब हमें इसमें कौन सा टर्म निकालना है, सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म निकालने के लिए हमारा वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया और ये सिक्स। तो इसमें हमारा सिक्स टर्म कौन सा आया हमारा, थ्री। तो इसमें हमारा थ्री क्या होगा हमारा आंसर।